आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है कि हमारे कार्डियक साइकिल के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो सही स्टेटमेंट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और ये तो हम जानते हैं कि हम अगर अपने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा हार्ट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक मस्कुलर चेम्बर्ड ऑर्गन होता है जो कि अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी से हमारी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करता है। तो जिन सीक्वेंशियल इवेंट्स से होते हुए हार्ट बीट करता है या ब्लड पंप करता है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसी को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कार्डियक साइकिल में कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मिट्रल और आयोटिक दोनों वाल्व खुले हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इन दोनों वाल्व्स की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे कार्डियक साइकिल में। तो हमारा हार्ट असल में एक फोर चेम्बर्ड ऑर्गन होता है, ये तो हम जानते ही हैं। दो ऑरिकल्स या एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट में होते हैं। तो किस तरह से इनके थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो अपर चेम्बर्स हैं ये हमारे हो गए राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और लोअर चेम्बर्स हैं हमारे वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमारे ऑरिकल्स के थ्रू ब्लड एंटर करेगा तो ये किन ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है, हमारे राइट ऑरिकल में वीना कावा नाम की ब्लड वेसल से आता है, जबकि हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। इसके बाद नीचे की तरफ हमारे राइट वेंट्रिकल में से निकल कर जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से आयोटा निकलती है। तो ये तो ब्लड वेसल्स हो गए जो कि हार्ट में ब्लड का फ्लो करवा रहे हैं। और अब हमारे हार्ट में वाल्व भी होते हैं। हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में हम देखते हैं हमारे हार्ट के राइट साइड में हमें वाल्व मिलेगा जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व हमको मिलेगा। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व हमको मिलेगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर सेमी लूनर वाल्व होते हैं, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता हुआ और लेफ्ट से आयोटा की तरफ जाते हुए, इन दोनों को हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। तो होता क्या है, अगर हम रफली नजर डालें अपने कार्डियक साइकिल पे, सबसे पहले तो हमारे हार्ट का सारा ही मसलेचर रिलैक्स स्टेट में होता है, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती। तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होते हैं, इसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। तो यहाँ पर तो फ्रीली हमारी वीना कावा से हमारे राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, वो वेंट्रिकल्स को एंटर कर रहा है, और पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट साइड में हार्ट के ब्लड आ रहा है। तो फ्रीली फ्लो कर रहा होता है ब्लड। लेकिन फिर क्या होता है, हमारे हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से जो ऑरिकल्स हैं हमारे ये कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं या इनका सिस्टोल हो जाता है। तो अब जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे जो एक्शन पोटेंशियल हमारे एट्रिया में हमारे ऑरिकल्स में जनरेट हुआ है, हमारे वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, तो वेंट्रिकल्स भी सिस्टोल में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसकी वजह से वेंट्रिकल्स का जो है प्रेशर अंदर का बहुत बढ़ जाता है, और ताकि इसमें जो ब्लड भर रहा है हमारे वेंट्रिकल्स में ये वापस लौट के ऑरिकल्स में ना चला जाए, इसीलिए ये हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। तो देखा यही जाता है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में वाल्व्स के बारे में जो पूछ रहे हैं, एक आयोटिक वाल्व की बात करें, आयोटिक वाल्व हमारा कौन सा हो गया, जिसके थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जा रहा है, सेमी लूनर वाल्व। और एक कह रहे हैं मिट्रल वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा पहला वाला, कि ऐसा कभी भी हमें कार्डियक साइकिल में नहीं मिलेगा कि दोनों एक ही समय पे खुले हो, क्योंकि शुरू में जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा होता है तो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर कर रहा होता है, लेकिन ये हमारे सेमी लूनर वाल्व उस समय पे बंद होते हैं। जब हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुले हैं तो सेमी लूनर बंद होते हैं। फिर क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं ताकि ऑरिकल्स में लौट के ब्लड ना जाए, बैक फ्लो ना हो, लेकिन इस समय पर वेंट्रिकुलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से सेमी लूनर वाल्व खुल जाते हैं। तो दोनों एक ही समय पर कभी बंद नहीं होते। जब कार्डियक साइकिल शुरू होती है तो हमारे सेमी लूनर बंद होते हैं, मिट्रल खुला होगा, लेकिन इसके बाद में
जब हमारे सेमी लूनर ओपन हो जाते हैं तो हमारे माइट्रल बंद हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं तो सभी में कुछ ना कुछ गलती है। पहले कह रहे हैं कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा प्रेशर होता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन पीरियड के दौरान। वेंट्रिकुलर इजेक्शन से हमारा क्या मतलब है? वो टाइम जहां पर वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत हाई हो गया है और सेमी लूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं ताकि जो ब्लड वेंट्रिकल्स में भर रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है, वो इनसे बाहर निकल पाए। तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स का प्रेशर इस समय पर बहुत हाई है और हमारे ऑरिकल्स का प्रेशर इसे एक्सीड नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। वेंट्रिकुलर इजेक्शन पीरियड वो है ही इसीलिए, वो फेज है ही इसीलिए कि वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत हाई हो गया है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसीलिए एट्रियम का प्रेशर इस समय पे उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद में कह रहे हैं कि वेंट्रिकल सबसे ज्यादा डायस्टोल में भरता है जब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले तो हमने जैसे डिस्कस किया जॉइंट डायस्टोल होता है, दोनों के दोनों ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा होता। लेकिन उसके बाद जब हमारे एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है या हमारे ऑरिकल्स जो है डीपोलराइज हो जाते हैं तो हार्ट में ब्लड का फ्लो करीब हमारे वेंट्रिकल्स की तरफ 30% बढ़ जाता है। पहले भी ब्लड फ्लो करके वेंट्रिकल्स की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वाल्व खुले होते हैं, लेकिन एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से ये 30% बढ़ जाता है। मगर सबसे ज्यादा फिलिंग कब हो रही है वेंट्रिकल्स की, इसकी अगर बात करें तो ये वेंट्रिकुलर इजेक्शन पीरियड के दौरान, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर सबसे हाई होता है, जब वेंट्रिकल्स खुद सिस्टोल कर रहे होते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तभी होगा। तो वेंट्रिकल्स अपने डायस्टोल में नहीं बल्कि अपने सिस्टोल, अपने कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सबसे ज्यादा भरे हुए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गए। सबसे ज्यादा प्रेशर तो उनमें तभी होगा जब वो खुद भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि डायस्टोल में वो सबसे ज्यादा भर जाते हैं। इसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सेकेंड हार्ट साउंड हमारे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी माइट्रल वाल्व, हमारे पाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर के साथ एसोसिएटेड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे हार्ट बीट की अगर हम साउंड सुनते हैं तो हमें दो डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं हम, लब और डब। लेकिन इसमें से जो पहली हार्ट साउंड है, लब साउंड, ये हमारे माइट्रल वाल्व के क्लोजर के साथ एसोसिएटेड है, हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ। मगर दूसरी हार्ट साउंड की यहाँ पर बात करें वो सेमी लूनर वाल्व के क्लोजर की वजह से होती है। तो यहाँ पर अगेन ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। सही स्टेटमेंट हमारा केवल एक है जो सबसे पहले दिया हुआ है कि कार्डियक साइकिल में माइट्रल और आयोटिक दोनों वाल्व एक ही समय पर कभी नहीं खुले होंगे। पहले शुरू शुरू में जब माइट्रल खुला होता है तो आयोटिक बंद होता है, फिर बाद में जब आयोटिक खुल जाता है वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ने की वजह से तो माइट्रल बंद हो जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।